हमें अपने इरादे और प्लान्स लोगों को बताने में बड़ा मज़ा आता है। हम इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि पता नहीं हमारे ये इरादे पूरे भी हो पाएंगे या नहीं, लेकिन हम पहले ही हर बंदे के सामने ये ऐलान शुरू कर देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे अपने इरादे दूसरे लोगों पर जाहिर करना हमारी हिम्मत तोड़ता है और हमें डीमोटिवेट करता है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अक्सर अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में दोस्तों को बताते हैं ताकि वो हमें सपोर्ट कर सकें, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि क्या आपके दोस्त वाकई आपको सपोर्ट करते हैं? हमारे ज़्यादा दोस्त हमें सपोर्ट नहीं करते, या हो सकता है कि कोई दोस्त भी ना करता हो, ताहम लगता ऐसा ही है कि जैसे वो बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपका कोई एक दोस्त भी ऐसा है जो आपको वाकई सपोर्ट करता है और आपको अपने आप से बेहतर मकाम पर देखना चाहता है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त आपके मुखालिफ हों, लेकिन उन्हें यह खौफ ज़रूर होता है कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं। मशहूर किताब लॉ ऑफ एक्शन के मुताबिक आपको अपने इरादे ना सिर्फ जाहिर कर देने चाहिए बल्कि अपनी मंजिल को भी अपने हाथों में समझना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तहकीक कहती है कि जो लोग अपने गोल्स लोगों पर जाहिर कर देते हैं वो उन्हें हासिल करने में अमूमन नाकाम रहते हैं। वजह यह होती है कि जब आप अपने प्लान और गोल्स के मुतल्लिक लोगों से बातें करते हैं तो आपको बड़ी खुशी और इत्मीनान मिलता है, और यह खुशी और इत्मीनान आपको डीमोटिवेट करता है। लेकिन कैसे, इस मिसाल से आपको समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप अपने सब दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे एक दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे। आपके दोस्त आपकी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब अगरचे आप अभी डॉक्टर नहीं बने, लेकिन आप दिल में सोचने लगते हैं कि आपके दोस्तों ने अभी से आपके बारे में एक डॉक्टर के तौर पर सोचना शुरू कर दिया है। लिहाजा ऐसे हालात आपको डॉक्टर बनने से पहले ही एक झूठा इत्मीनान दिला देते हैं जिससे आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते जितनी चाहिए होती है। इस थ्योरी को साबित करने के लिए एक माहिर नफ्सियात पीटर गोलविजर उनके साथियों ने बड़ी होशियारी से एक तजर्बा किया। उन्होंने क्या किया कि ऐसे 50 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जो माहिर नफ्सियात बनना चाहते थे और उनसे कहा कि कोई से दो काम लिखें जो वो अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अगले 7 दिन में करेंगे। सब स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्लान्स पेपर पर लिख दिए। अब एक्सपेरिमेंटर ने उन प्लान्स को पढ़ना शुरू कर दिया और साथ साथ उन प्लान्स की तारीफ भी करता जाता था, लेकिन अभी आधे स्टूडेंट्स के प्लान ही पढ़े गए थे कि उन्हें बताया गया कि ये प्लान्स लिखने वाला काम उन्हें गलती से दे दिया गया था और ये कि जो प्लान्स बह गए हैं उन्हें कोई भी नहीं पढ़ेगा। अब 7 दिन बाद सारे स्टूडेंट से दोबारा राबता किया गया और उनसे पूछा गया कि वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए क्या क्या करते रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके प्लान्स को पढ़ के अप्रिशिएट किया गया था, उन्होंने अपना गोल अचीव करने के लिए थोड़ा वक्त गुजारा और कम मेहनत की। जो स्टूडेंट्स बह गए थे, उनके प्लान्स नहीं पढ़े गए थे, उन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी। इस तहकीक से ये नतीजा निकाला गया कि अगर आपके पास अपनी कामयाबी के इजहार के लिए दूसरे ज़राए मौजूद हों तो फिर आप कामयाबी हासिल करने के लिए उस कदर मेहनत नहीं कर पाते जितनी वैसे करते। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए हम अपने इरादों और प्लान्स पर बात करने से बाज रहें। अपने जज्बात को इस झूठी और आर्जी खुशी की नज़र करने के बजाय अपनी मेहनत में इस्तेमाल करें। लेकिन इस थ्योरी का एक और पहलू भी है, वो ये कि आपको अपने इरादे अपने कोच, मेंटोर या फिर उस ग्रुप से पोशीदा नहीं रखने चाहिए जिनके साथ मिलकर आप कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा सादा सी इक्वेशन जो आप फॉलो कर सकते हैं यूँ होगी कि अपने गोल्स के मुतल्लिक बात करने से आपको इत्मीनान मिलता है और ये इत्मीनान आपको डीमोटिवेट करता है, और अपने गोल्स के मुतल्लिक बात ना करने से आप अमली हो जाते हैं और जल्द कामयाबी हासिल करते हैं। लिहाजा लोगों को अपने इरादे और कामयाबी का बता के शाबाश लेने के बजाय आप एक नोटबुक में लिखते जाएं कि आपने कितनी कामयाबी हासिल कर ली है। अपने फाइनल गोल तक पहुंचने से पहले अपने हर कामयाब स्टेप को सेलिब्रेट करें, अपने लिए फूल खरीद लें, अपनी पसंदीदा जगह पर खाना खाने चले जाएँ, सैर के लिए निकल जाएँ, पसंदीदा म्यूज़िक सुन लें, लेकिन अपने गोल्स के मुतल्लिक लोगों से बात ना करें क्योंकि इससे सिर्फ आपकी मोटिवेशन ही कम होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी थी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।